हेलो फ्रेंड्स, आम नेहा, वेलकम टू नेहाज किचन। आज मैं मिल्क पाउडर मावा बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पर दूध लिया है, 1 टेबल स्पून घी लिया है। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई रखी हुई है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारी जैसे ही गर्म होती है, मैं इसमें ये घी को डाल दूंगी। घी हमारा जैसे ही गर्म होता है, दूध को इसमें डालकर लगातार हमें चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है दूध को। हमें तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आ चुका है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी। दूध में उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम हम स्लो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। हमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालना है और लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारा मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। आप इस मिल्क पाउडर के मावा से कोई भी बर्फी या फिर पेड़े या आप गाजर का हलवा बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे किसी भी डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मिश्रण धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ने लगा है। हम इसे किनारों से भी इसे खुरस लेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। ट्रेडिशनली हम जो मावा बनाते हैं दूध से बनाते हैं, उस प्रोसेस में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह से भी हम मावा बना सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, मावा हमारा रेडी है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक इसे भूनेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। मावा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। सर्विंग बोल में मैं यहाँ पे निकाल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी हेल्दी।